नमस्कार, स्वागत करते हैं हम आपका स्मार्ट नौकरी चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित की गई कुछ नई योजनाओं के बारे में, जिसका लाभ मिलेगा तमाम युवाओं को। साथ ही अगली खबर दिखाएंगे हम आपको बिहार चुनाव से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर कई जगह पे जो है कोर्ट में केसेस हो चुके हैं, तो कई जगहों पे जो है नारे लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे मुंबई में लोकल ट्रेनें आखिर कब से होंगी शुरू आम जनता के लिए। और बताएंगे आपको सबसे बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर, क्या देश में एक बार फिर से लागू होगा लॉकडाउन। जी हां, कई राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन की प्रक्रिया जोर शोर से शुरू हो चुकी है। इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित की गई नई योजनाओं के बारे। जी हां, इस समय देश में सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है बेरोजगारी की समस्या, क्योंकि लॉकडाउन के बाद देश की आर्थिक जीडीपी कितनी गिरी है इस बात से आप अंदेशा नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की जो जीडीपी है वो माइनस में चल रही है, यानी पूरी तरह से भारत जो है पीछे जा रहा है। और जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रोजगार की उपलब्धता कम होना। जी हाँ, बेरोजगारों की संख्या देश में इस समय चरम पर है, और सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या का परसेंटेज निकाले तो भारत जो है नंबर वन पे आ चुका है, यानी कि भारत में बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा ऊपर है। तो जब किसी देश में बेरोजगारों की संख्या इतनी अधिक होगी तो आखिर वो देश कैसे तरक्की करेगा। इस बात को जो है देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई योजनाओं की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, आईटी सेक्टर हो, रेलवे हो, तमाम ऐसे सरकारी कंपनियां, पीएसयू कंपनियां, जहां पर भी रोजगार की कमी है, यानी कि वहां पर रोजगार को जो है उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जल्द ही एक डेटा जो है मंगाया गया है, जिसके अंतर्गत ये पता किया जाएगा कि भारत में तमाम सरकारी कंपनियों में और पीएसयू कंपनी यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियों में और साथ ही प्राइवेट कंपनियों में कहां कहां पर वैकेंसी है, रोजगार मेला के तहत जो है लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और सरकारी नौकरियों की संख्या में भी इजाफा किया जा रहा है। आने वाले समय में 10 लाख नई नौकरियां जो है उपलब्ध की जाएंगी 2021 में। तो चलिए चलते हैं हम बिहार की तरफ एक बार फिर से। जी हां, बिहार में शिक्षा मंत्री का पद संभालने वाले मंत्री जी 24 घंटे के भीतर ही जो है अपना इस्तीफा दे दिए। क्या वजह थी इसके पीछे? सबसे बड़ी वजह यह थी उनके ऊपर कई मुकदमे चलाए जा रहे हैं, कुछ कृषि से जो है रिलेटेड है, जो विश्वविद्यालय में भर्ती को लेकर उनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया जा रहा है। तो उनके पत्नी के संदिग्ध मौत को भी लेकर लालू प्रसाद यादव ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से उनके ऊपर आरोप लगाया। इन तमाम आरोपों की वजह से जो है बिहार कैबिनेट में मंत्री परिषद का पद संभालने के 24 घंटे के भीतर ही मेवालाल जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, और उन्होंने कहा कि वो 50 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज करने वाले हैं आरजेडी नेताओं के खिलाफ। जी आप बात करते हैं आरजेडी नेताओं के बारे में, तो सबसे बड़े महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे यानी तेजस्वी यादव, उनके मुख्यमंत्री न बनने के बाद से उसके बाद से जो है बिहार की राजनीति में एक तूफान सा मच गया, क्योंकि जमीनी स्तर पर और तमाम न्यूज चैनलों के रुझानों में यह साफ बताया जा रहा था कि इस बार महागठबंधन की सरकार का बनना तय है, और कई जगहों पर तो मिठाइयां भी बंटना शुरू हो चुकी थी। लेकिन जब नतीजे आए तो वो किसी को जो है गवारा नहीं हुए। जी हाँ, इसके बाद से ही लेकर ईवीएम के घोटाले को लेकर या फिर पेपर वैलेट की चुनाव को लेकर तमाम जगहों पे जो है विद्रोह दर्ज किए गए, और कई जगहों पे कोर्ट में जो है केस भी चल रहा है चुनाव आयोग को लेकर भी, कि कहीं ना कहीं इसमें जो है संदिग्ध जो है चुनाव आयोग है, जिसकी वजह से जो गणना हुई थी वो काफी देर रात तक चली और कहीं ना कहीं इसमें घोटाला हुआ है। फिलहाल इन सभी बातों को लेकर अभी कोर्ट में फैसला टला हुआ है, लेकिन हम आपको बताएं कि अगर कोई चार वजह जिसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ना बनना, तो उनमें जो है सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है अपडेट आ रही है। जी हाँ, क्योंकि जनता जो है अपने रिएक्शन सोशल मीडिया के माध्यम से ही दे पाती है, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता कि वो आकर बताए कि हाँ ये मुख्यमंत्री पसंद है, ये मुख्यमंत्री पसंद नहीं है। एक ही हथियार होता है, वो होता है उनका वोटिंग, और वोट के जरिए वो डिसाइड करते हैं वो किसे सत्ता में लाना चाहते हैं और किसे सत्ता में लाना नहीं चाहते। बात करें बिहार में, सातवीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए जो है शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार, ये अपने आप में काफी ज्यादा जो है आपको आश्चर्यचकित करता है कि किसी व्यक्ति की इतनी लोकप्रियता कैसे हो सकती है कि वो सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है। यहां पर एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार बनना लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता है, तो वहां सातवीं बार। तो इसके सबसे पीछे जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि बिहार में जंगल राज का जो है नाम था। जी हां, जंगल राज का मतलब यहां पर यह है कि व्यापारियों से जो है अंधाधुंध पैसे वसूले जाते थे, लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए काफी ज्यादा, और शराब सबसे बड़ी वजह थी। इन तमाम चीजों की वजह से जंगल राज कहा जाता था बिहार में, और इसका जो है
खत्म किया नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार के आने के बाद से जंगल राज खत्म हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि आज भी नीतीश कुमार सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर आज जो है सत्ता में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि उनका शिक्षा, जी हां, जहां तेजस्वी यादव जो है नौवीं फेल है, तो वहीं नीतीश कुमार उनके प्लस में काफी ज्यादा पढ़े लिखे और ग्रेजुएट है और इंजीनियर। तो ये कहीं ना कहीं जो इन सब मुद्दों को लेकर बिहार की जनता ने नीतीश को जो है अपना दावेदार नियुक्त किया और उनके हाथों में फिर से एक बार बिहार की जिम्मेदारी सौंप दी है। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही लव जिहाद को लेकर। जी हाँ, लव जिहाद को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में कई जगहों पर आपने जो है देखा होगा किस प्रकार की जो है प्रताड़ना चालू होती है। कई जगहों पर लव जिहाद के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, तो कहीं विद्रोह हो रहे हैं। तो इसको लेकर आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने कानून बनाने की मांग की थी, जिसको अब गृह मंत्रालय के द्वारा से हरी झंडी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने इसे कानून बनाने को लेकर अपने प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दी है और आने वाले कुछ ही दिनों में या महीनों में आपको लव जिहाद के ऊपर कानून बन सकता है। तो आइए जानते हैं लव जिहाद के कानून के अंतर्गत क्या सजा होगी। जी हाँ, अगर आपको लव जिहाद कानून के अंतर्गत आपको जानना है, तो सबसे पहली बात यह कि अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है अपने स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से, तो आपको एक महीने पहले आपको एप्लीकेशन देना होगा कि मैं अपना धर्म बदलना चाहता हूं। यानी कि अब ताबड़तोड़ में आप धर्म बदल नहीं सकते, एक महीना पहले ही आपको सरकार को इस बात की जानकारी देनी होगी। अगर लव जिहाद में आपको दोषी पाया जाता है तो आपको 5 साल तक की सजा दी जाएगी, यानी कि 5 साल तक का ठोस कारावास की सजा जो है निर्धारित की गई है अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन की बात करता है तो। फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से जो है पुष्टि हो चुकी है कि इस कानून को जो है वो पास करेंगे। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है रेल मंत्रालय की तरफ से। स्पेशल ट्रेनों की संख्या में जो इजाफा किया गया था उसे बहुत ही जल्द अब फिर से खत्म करने वाले हैं। जी हां, सबसे बड़ी वजह यह है कि दिवाली और छठ पूजा के नाम पर जितनी भी स्पेशल ट्रेनें बढ़ाई गई थी उन सभी ट्रेनों को अब धीरे धीरे रद्द किया जा रहा है और नवंबर के आखिरी सप्ताह तक इन तमाम ट्रेनों को रद्द किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देश में एक बार फिर से कोरोना की लहर ने जो है जन्म ले लिया। जी हां, तीसरी लहर इस समय जो है अपने चरम पर है। मात्र 15 दिनों के भीतर 1 लाख से ज्यादा मरीज जो है इसके निकलकर सामने आ चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं अब तीसरी लहर जो है पूरी तरह से छा चुकी है और का सबसे बड़ा मुख्य बिंदु इस समय बनकर निकला है देश की राजधानी नई दिल्ली। जी हां, नई दिल्ली में इस समय जो है कई जगहों पे स्कूल कॉलेजेस को फिर से बंद किया जा रहा है। जहां की खोलने की प्रक्रिया चालू हुई थी तो वहां पे फिर से जो है लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया गया। कई जगहों पे कर्फ्यू लगा दिए गए, कंटेनमेंट जोन में लगा दिए गए और फिर से एक बार जो है स्कूल्स को बंद कर दिया गया, जबकि 27 नवंबर से कई जगहों पर स्कूल्स और कॉलेजेस को खोला जा रहा था। तो एक बार फिर से जो है दिल्ली में लॉकडाउन लग रहा है। गुजरात में भी जो है अब शाम के 6 से लेकर जो है 9, 10, 11 बजे रात तक जो है पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। यानी कहीं ना कहीं अब फिर से जो है लोगों को जो है कर्फ्यू के अंदर आने की जो है जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस समय देश में तीसरी लहर जो है जन्म ले चुकी है। अगर हम सावधानी से हम सभी लोग नहीं रहे तो ये जो है लहर और ज्यादा बड़ी और भयानक रूप ले सकती है। तो चलते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है मुंबई की लोकल ट्रेनों को लेकर। जी हां, मुंबई की लोकल ट्रेनों को लेकर सरकार ने कहा कि दिवाली के बाद वो लोकल ट्रेनें खोलने वाले हैं, लेकिन बीएमसी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस आई जिसमें कहा गया कि दिवाली के 14 दिन तक वो जो है जोन यानी कि जो पर डे का जो काउंट होता है कोरोना वायरस का, यानी कितने मरीज जो है निकल रहे हैं हर दिन, उस पे जो है नजर रखेगी और मॉनिटर करने के बाद ये 14 दिन के बाद इसका फैसला लिया जाएगा कि दिवाली के बाद क्या यहां पर इजाफा हुआ, क्योंकि दिल्ली के जैसे हालात जो है मुंबई में भी हो सकते हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए श्री उद्धव ठाकरे सरकार जो है पूरी तरह से सतर्क है और पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हुए धीरे धीरे जो है लॉकडाउन को खत्म कर रही, लेकिन वो पूरी तरह से अभी खत्म नहीं किया जा सकता जब तक पूरी आंकड़े सामने नहीं आ जाते। यानी 1 दिसंबर से पहले मुंबई की लोकल ट्रेनें में आम जनता के लिए सफर करना मुश्किल रहेगा। तो चलते हैं हम अपने अगली दूसरी सबसे बड़ी खबर की तरफ। तो अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है रोजगार के। जी हां, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है देश की, उसको लेकर बिहार में जिस प्रकार के चुनाव माहौल में इसे उठाया गया। जी हां, तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने के वादा बिहार में किया था, लेकिन दूसरी तरफ 19 लाख देने की वादा जो है बीजेपी के द्वारा किया गया था, जिसकी सबसे बड़ी सफलता है कि बीजेपी जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो है सेकंड नंबर पर उभर के सामने आई है। तो यहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आने वाले वर्ष में यानी 2021 में 1 लाख नए रोजगार की व्यवस्था की जा रही है और बहुत ही जल्द आप सभी के लिए रोजगार का यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा और उसके अंतर्गत आपको 2021 में जो है 1 लाख नए लोगों को जो है रोजगार दिया जाएगा। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा पहल है नीतीश कुमार जी के द्वारा, क्योंकि रोजगार की जो समस्या उसे सबसे पहले हटाना होगा, तभी जाके देश की जो जीडीपी है उसे जो है फिर से ऊपर लाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक
लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें लाल और बटन दबा के, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरें सबसे पहले स्मार्ट नौकरी चैनल पे। तो दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका कोई भी सुझाव हो या आप हमसे बात करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, रेलवे से जुड़ी खबर हो या किसी भी चीज को लेकर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको भी लगता है कि आरजेडी यानी कि जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बने उसके पीछे क्या वजह है, उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।